उमरवाड़ा में टेनामेंट में रहता माथावारे व्याजखोरे मित्रता में रूपया उछीना आप्या बाद तेनु व्याज वसूलवानी धाकधमकी आपता आखरे श्रमजीवी युवाने पुलिस कमिश्नर कचेरी पहुंची राव करी छे। सूरत शहर में व्याजखोरों आतंक दिवसे ने दिवसे वधी रह्यो छे। जो के पुलिस आवा व्याजखोरों ने डामवामां साव निष्फळ निवड़ी रही हो तेम लागी रह्युं छे। सूरत पुलिस कमिश्नरे वधु एक श्रमजीवी ने आवेदनपत्र आपी रजूआत करी छे, जेमां कारेली खाते रहता समीर शेखे जणाव्युं हतुं पोते रिक्षा चलावी परिवहन गुजरान चलावे छे। रूपियानी जरूर तेमने उभी थता मित्र एवं उमरवाड़ा टेनमेंट में रहता माथाभरे आसिफ खान उर्फे आसिफ बटाका पठाण पासेथी 15,000 उछीना लीधा था। जे रूपया आपी दीधा होवा छतां पण व्याजना वधु रूपियानी मांगणी करी युवानी मोपेड लई जाय, वधु रूपया न आपे तो मोपेड वेची नाखवानी साथे परिवारने पण नुकसान पहोंचाडवानी धमकी आपी होवानी राव आवेदनपत्रमां पोलीस कमिश्નરે તેમને સમજીવી યુવાને કરી હતી। क्या अर्जी? वो उसने मेरे को एक महीना हो गया है, एक महीने पहले मेरे को मारा है। लाड़ी का रोज़ मांग रहा था मेरे से, लाड़ी लगाता था वहाँ पे मैं तो 100 रुपया रोज़ हमको दे, मैं तो लाड़ी देखो लगा नहीं देंगे। तो मैंने 2 दिन तक उसको 100 रुपया रोज़ नहीं दिया तो उन्होंने मेरे को मारा। उनके घर के लेडी था नहीं मिल के मेरे को मारा, उनके घर के जिन लोगों ने मेरे को मारा। अब उनको मैं बोल रहा हूँ तो क्या ऐसे मार रहे, तो बोले तो 100 रुपया रोज़ नहीं देंगे कभी तो देखो मारेंगे ठोकेंगे। नहीं तो बोले लाड़ी नाचे हटा दे, बोले सुबह धंधा करने की जरूरत नहीं, हमारी लाड़ी नाचे हमारी जगह पे लगेंगे। कौन सी जगह पे लाड़ी लगा? उमरवाड़ा स्टेशन में कोई रजूआत आपने की? नहीं तभी तो डाला नहीं था मैंने, वो लोग मेरे को हैरान बहुत ज़्यादा करते हैं लोगों मेरे को, मतलब अभी कहाँ पर आए? अभी अपने कमिश्नर कटेरी के अंदर आया मैं अर्जी डालने के लिए। शुक्रिया जी। ये आसिफ पटाखे के लिए आए कि हमने पैसे लिए थे तो जैसे पैसे नहीं दिए गए हमारे से, ये लॉकडाउन लग गया ये हो गया तो हमको धमकी दिए क्या तुम्हारा घर जब्त कर लेंगे तो तुमको पैसा देना ही है नहीं तो नहीं ऐसा। तब हम गरीब लोग कहाँ जावे ऐसा, तो इसके लिए हम लोग कमिश्नर ऑफिस में आए कि हमको कोई न्याय मिले कि भाई हमारा पैसा देने के बाद भी जो अभी रुक गया उनका ब्याज, तो ब्याज भी मांग रहे और मूड़ी तो दे दी हमने, तो ब्याज के लिए वो लोग हमारे को धमकी दे रहे हैं। कितने पैसे लिए थे? 30,000 लिए थे हमने, तो 7,500 रुपये हम हर महीने ब्याज देते थे ऐसा। 26 महीने हमने उनको दे चुके ऐसा, तो भी फिर अभी 18,000 मांग रहे ऐसा। अभी कमिश्नर ऑफिस में हम लोग रजूआत करने आए कि भाई ना ही तो ऐसा बच्चों का है भाई, बच्चे भी है ना हमारे, वो लोगों का तो वो लोग औजार काट लेते फिर वो मारने की धमकी देते हमको गालियाँ गलौज देते घर को आके। पुलिस स्टेशन में हमारा कुछ नहीं होता। कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है? सलादपुरा। नहीं ऐसा बोले सब हमारे हाथ के ही है ऐसा, ऐसा पियाई वया सब हमारे हाथ के ऐसा। वो अंसार नाम का छोकरा है, वो भी हमारे छोकरे पे औजार काट लिया था हमारे घर पे आके, तो अंसार को तो हमारा छोकर महल वालों ने डकाल दिए थे कि उसके माँ बाप नहीं है तो उनके छोकरे को मार नहीं सकता ऐसा। तो ये बटाका कंपनी मतलब बस ये औजार के साथ ही आते मतलब। हाल तो सूरत में अनेक व्याजखोरो थे जेओनी मुद्दल सहित रुपया आबी गए होवा छतां पण गरीब समजीओ ने हैरान करी व्याज वसूली रिया छे, जो सामे तात्कालिक पगला लेवामां आवे तेवी खास ताती जरूर छे। अजर कुरैशी, जी 25 न्यूज।